हेलो फ्रेंड्स, आईटी टेक्निकल जोन में आपका स्वागत है। मैं विनोद जांगड़ा एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। प्रिय विद्यार्थियों, परमाणु ऊर्जा विभाग के अंदर कुछ वैकेंसियां निकाली गई हैं। इसके अंदर आईटी विद्यार्थियों के लिए और जिन्होंने 3 ईयर डिप्लोमा पॉलिटेक्निक का किया हुआ है उन विद्यार्थियों के लिए ये जॉब रहेगी। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर ये वैकेंसी आपकी रहेगी। डेट ओपनिंग की जो डेट रहेगी, फॉर्म जो अप्लाई करने की जो डेट है वो 17/12/2019 से, और जो लास्ट जो डेट रहेगी वो है आपकी 6/1/2020, यानी 6 जनवरी 2020 इसकी लास्ट डेट रहेगी। अब देख लेते हैं कौन कौन सी जो पोस्ट है वो आई टी आई विद्यार्थियों के लिए और कौन सी जो पोस्ट है वो डिप्लोमा होल्डर विद्यार्थियों के लिए रहेगी। तो ये देखिए यहाँ पे डिटेल ऑफ द पोस्ट। तो सबसे पहले ये देखिए, सीरियल नंबर 1 के अंदर हम देखेंगे ड्राइवर की पोस्ट निकली हुई है, दो ही पोस्ट है। अब देख लेते हैं सीरियल नंबर 2 में टेक्नीशियन बी के अंदर ये वैकेंसियाँ हैं, ये आईटी विद्यार्थियों के लिए रहेगी, जिसमें सर्वेयर की 2 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रिशियन की 1 है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स की 1 पोस्ट है, और फिटर की 1 है, और कोपा की भी 1 पोस्ट रहेगी। उसके बाद देख लेते हैं सीरियल नंबर 3 के अंदर क्या है। यहाँ पे ये देखिए टेक्नीशियन है, ये भी एक तरह का अलग से इसमें डिपार्टमेंट रहता है। तो सर्वेयर की 2 पोस्ट हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स की 3 हैं, इलेक्ट्रिशियन की 3 हैं, फिटर की 2 और ऑपरेटर की 24 पोस्ट हैं। उसके बाद साइंटिस्ट असिस्टेंट की बी के अंदर देख लेते हैं सीरियल नंबर 4 में, यानी ये जो सीरियल नंबर 4 है ये डिप्लोमा होल्डर विद्यार्थियों के लिए है, यानी जिन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है, 3 ईयर का जो डिप्लोमा होता है उन विद्यार्थियों के लिए। जैसे सिविल है, सिविल इंजीनियरिंग की कितनी पोस्ट है, 19 पोस्ट रहेगी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 7 पोस्ट हैं, इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की इंजीनियरिंग की 3 पोस्ट, मैकेनिकल की 15 और कंप्यूटर साइंस की 1 पोस्ट रहेगी। उसके बाद ये देख लेते हैं सीरियल नंबर 5 में, ये भी साइंटिस्ट असिस्टेंट के लिए रहेगी। इसके अंदर सिविल की 5, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 13 और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 17 और इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स की 11 पोस्ट और हेल्थ की 4 पोस्ट रहेगी। टोटल जो पोस्ट रखी गई है इसमें वो है 137 पोस्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ है। ये देखिए एज के बारे में बताया हुआ है कि भी कौन सी पोस्ट के लिए कितनी एज लिमिट इन्होंने रखी है। जैसे ड्राइवर की पोस्ट थी उसमें 20 से 28 वर्ष की उम्र विद्यार्थी की होनी चाहिए। टेक्नीशियन बी के अंदर जो आई टी विद्यार्थियों के लिए जो जॉब थी उसकी जो उम्र जो रखी गई है 18 से 25 साल। उसके बाद 3 ईयर डिप्लोमा पॉलिटेक्निक विद्यार्थियों के लिए सीरियल नंबर 3 के अंदर 18 से 24। उसके बाद साइंटिस्ट असिस्टेंट बी के लिए 18 से 30 साल की एज रखी गई है। सीरियल नंबर 5 के अंदर असिस्टेंट साइंटिस्ट की देख लेते हैं 18 से 25 की रखी गई है। और इधर जो साइड के अंदर है ये पे स्केल में बताया हुआ है। उसके बाद देख लेते हैं छूट कितनी रहेगी। आपको पता ही है कि एज के अंदर जो छूट का जो सिस्टम जो रहता है, जिसमें ओबीसी विद्यार्थी के लिए 3 साल और एससी और एसटी विद्यार्थियों के लिए 5 साल की छूट उम्र में रहती है। उसके बाद अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग छूट इनमें बताई हुई है। अब देख लेते हैं यहाँ पे इन्होंने बताया है कि कौन सी ट्रेड के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रखी हुई है, तो वो हम देखेंगे इंसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या है। ये देखिए यहाँ पे इंसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहे। जैसे ड्राइवर है, ड्राइवर के लिए एक तो 10th पास होना चाहिए और प्लस में हैवी ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास होना चाहिए और 2 साल का अनुभव इन्होंने ड्राइविंग का रखा हुआ है, ठीक है। यानी 10th प्लस हैवी ड्राइविंग लाइसेंस और 2 ईयर एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। इसके बाद देख लेते हैं टेक्नीशियन बी के अंदर जो आईटी विद्यार्थियों के लिए है, इसमें एनसीबीटी आईटी आपके पास होनी चाहिए, एक्सपीरियंस वगैरह अलग से नहीं इसमें मेंशन किया हुआ है। उसके बाद डिप्लोमा विद्यार्थियों के लिए देख लेते हैं सीरियल नंबर 3 के अंदर, और इसके अंदर भी ये सेम जो विभाग मैंने बताया था, डिपार्टमेंट जो मैंने बताया था, इसके अंदर ये देखिए जो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है इनके अंदर आईटीआई इलेक्ट्रिशियन और फिटर के लिए रखी गई है, और साथ में ही ये देखिए 2 ईयर एक्सपीरियंस इन ए रिलेटिव फील्ड। तो यहाँ पे भी ये क्लियर देख लेना भी कौन कौन सी ट्रेड के लिए कितना एक्सपीरियंस दिया हुआ है उसके लिए। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे
साइंटिस्ट असिस्टेंट के लिए ये सिविल इंजीनियरिंग के अंदर डिप्लोमा, ठीक है ना, सभी के अंदर 3 ईयर का डिप्लोमा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे अलग से मेंशन की हुई है, जिन विद्यार्थियों ने लेटरल एंट्री के अंदर डिप्लोमा पॉलिटेक्निक का किया हुआ है वो नॉट एलिजिबल है इसमें, ठीक है ना। जो डायरेक्ट 3 ईयर का डिप्लोमा 10th या प्लस टू के बाद किया हुआ है तो वो ही वैलिड रहेगा, ITI के बाद जिन्होंने डिप्लोमा किया है वो वैलिड नहीं है, क्योंकि वो डिप्लोमा ये 2 साल का काउंट करते हैं। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी बताया हुआ है। उसके बाद देख लेते हैं कौन कौन से में क्या क्या रहेगा। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे BSc जो हेल्थ की जो मैंने एक आपको ब्रांच बताई थी, अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर इनका। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सिलेक्शन प्रोसीजर करेंगे ये। इसके अंदर सबसे पहले तो 2 टेस्ट ये रखेंगे, एक तो एक टेस्ट स्टेज 1 और स्टेज 2 टेस्ट रह के रखेंगे, तो सभी के अंदर सेम कंडीशन रहेगी। उसके बाद स्किल टेस्ट लेंगे और उसके बाद इंटरव्यू रहेगा। तो देख लेते हैं कौन कौन से स्टेज 1 है। और ये देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है इन्होंने, जो स्टेज 1 के अंदर जो रहेगा 1 घंटा आपका रहेगा और उसके अंदर 50 क्वेश्चन इन्होंने रखे हुए हैं। और 50 क्वेश्चन के अंदर कौन कौन से रखेंगे, देखिए यहाँ पे 20 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स और 20 साइंस के और 10 जो क्वेश्चन रहेंगे वो जनरल अवेयरनेस के रहेंगे। यानी 1 घंटे का टाइम मिलेगा आपको और 50 क्वेश्चन रखे गए हैं। स्टेज 1 का जो रिजल्ट है वो जस्ट ही निकाल देंगे और शाम को जो स्टेज ये दी हुई है एडवांस टेस्ट, ये शाम को उसी दिन आपका एग्ज़ाम होगा। इसमें भी समय आपको डबल दे दिया जाएगा, यानी 2 घंटे रखे हुए हैं और क्वेश्चन कितने रहेंगे, 50 रहेंगे और नेगेटिव मार्किंग का भी इसमें प्रावधान किया गया है। साथ में एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों, इसमें 1 क्वेश्चन है उसकी वैल्यू 3 नंबर की रहेगी, और अगर अगर गलत अगर आपका क्वेश्चन हो जाता है तो उसका एक वो यानी मार्क्स काटा जाएगा। उसके बाद इन्होंने ये देखिए परसेंटेज भी रखी हुई है, जनरल कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स लेना ज़रूरी है, SC और ST और OBC के लिए 30% मार्क्स लेने अनिवार्य हैं। उसके बाद में ये देखिए स्किल टेस्ट, यानी स्टेज 2 क्लियर जो विद्यार्थी करेगा उसका ही शॉर्ट लिस्ट करके स्किल टेस्ट लेंगे। स्किल टेस्ट का मतलब ये होता है कि जिस फील्ड के अंदर विद्यार्थी अपना अनुभव रखता है या जिस ट्रेड के अंदर जितना उसको ज्ञान है, नॉलेज है, बेसिक नॉलेज के बारे में वो पूछेंगे। विद इन प्रैक्टिकल आपसे भी आपको करवा के दिखाएंगे, जैसे आपकी मशीन है, लेथ मशीन है या फिर स्लॉटर है या जो भी इंस्ट्रूमेंट है उनके बारे में थोड़ा बेसिक आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में ये सेम प्रोसीजर बताया हुआ है कैसे 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 क्या क्या रहेगा, हाउ टू अप्लाई कैसे करना है आपको। ये देखिए यहाँ पे लास्ट जो डेट है वो आपको ध्यान में रखनी है, 6 जनवरी 2020 इसकी लास्ट डेट रहेगी। और इस वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, www.nuclear.co.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। प्रिय विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थियों से मेरा एक ही अनुरोध है कि ये फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें। और फॉर्म जब आप किसी भी मान लो ऑनलाइन कंप्यूटर से भरवाते हो तो फॉर्म खुद स्वयं चेक करें कि कहीं गलत तो नहीं हो गया। तो पूरा मैंने आपको बता दिया प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें अपने अपने दोस्तों के साथ, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं या इस फील्ड से वो यानी ITI है या डिप्लोमा है या BTEC है वो विद्यार्थी भी इसके अंदर फॉर्म में एलिजिबल है। ये जो PDF फाइल है मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, जो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मैं आपको अवेलेबल करवाऊँगा। तो ये देखिए यहाँ पे हिंदी के अंदर भी दिया हुआ है क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, तो ये मेरे चैनल के द्वारा डिस्क्रिप्शन से आप ये डाउनलोड कर सकते हो। पूरा ये बता दिया है मैंने कैसे कैसे आपको ये करना है। फिर भी विद्यार्थियों अगर किसी तरह की क्वेरी की अगर आवश्यकता है तो मेरे पर्सनल नंबर पर भी आप जानकारी ले सकते हो। मेरा पर्सनल नंबर क्या रहेगा, 9819153345। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आप मेरे को कॉल कर सकते हो। एक चीज़ बताना चाहूँगा प्रिय विद्यार्थियों, मेरे चैनल के माध्यम से आपको 100% और सटीक जानकारी दी जाती है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक आपको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।